भाग सकता है, मोहब्बत भूल सकती है, लेकिन इश्क दुनिया के सात चक्कर लगा कर भी आशिक की गोद में गिरता है। तुम मेरी थी, मेरी हो और मेरी ही रहोगी। दुनिया भर के नाम से ग्रीन टी अपना एक और ब्लॉक पास्टर और महंगा तीन ड्रामा शुरू करने जा रहा है। इस ड्रामे में लीड पर हमें समी खान, खुशहाल खान और रमशा खान एज अ हीरो, हीरोइन और विलन के तौर पर नजर आने वाले हैं। उसके अलावा स्पोर्टिंग किरदार में नुमान एजाज और शमील खान भी एज अ लीड पर नहीं बल्कि स्पोर्टिंग किरदार में आपको नजर आएंगे। इस ड्रामे की कहानी और रिलीजिंग डेट के बारे में बात करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। हेलो जी, अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एलटी मदर्स नंबर वन। इस ड्रामे में बेलगाम, मैदान जंग, एतमाद कैसे टूट जाते हैं, एतहाद कैसे बदल जाते हैं और गालबे की जस्तजू सब पर कैसे छा जाती है, ये सब कुछ एक साथ दिखाया जाएगा। इस ड्रामे का राइटर हृदयन शाह है जबकि इस ड्रामे का डायरेक्टर शाहिद शफत है। और इस ड्रामे के बारे में और बताते चलें तो इस ड्रामे में जो समी खान है वो एज अ हीरो के किरदार में नज़र आएंगी और रमशा खान हीरोइन के किरदार में नज़र आएंगी, जबकि खुशहाल खान का किरदार इस ड्रामे में उम्मीद की जा रही है कि नेगेटिव होने वाला है। और ये भी उम्मीद की जा रही है कि 14 अगस्त से पहले पहले इस ड्रामे की फर्स्ट टीज़र भी सामने आ जाएगा। और इसके अलावा समी खान बहुत ही बेहतरीन पाकिस्तानी अदाकार हैं और इससे पहले भी बहुत से सुपरहिट ड्रामे बना चुके हैं, जैसे हाल ही में इन्होंने तकदीर ड्रामा और पागल खाने ड्रामा में काम किया जिसमें लोगों ने इनकी अदाकारी को बेहद पसंद किया था। और रमशा खान का शुमार भी पाकिस्तान की मशहूर तरीन एक्ट्रेसेस में होता है और इनका अब तक का मशहूर तरीन रोल हम तुम और इश्किया ड्रामे में रहा जिसमें लोगों ने इनकी अदाकारी को काफ़ी पसंद किया था। और ये समी खान और रमशा खान का पहला एक साथ एज अ हीरो और हीरोइन ड्रामा है। उम्मीद करती हूँ कि लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। वैसे आप इन दोनों को एक साथ देखने के लिए किस कदर एक्साइटेड हैं, अपनी राय हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा अभी नीचे कॉमेंट सेक्शन में।